और चलिए दहशत की शुरुआत करते हैं आज के उन पांच बड़े सवालों से। हिंसा, आगजनी, पथराव, रेल रोकने, बसें तोड़ने, रास्ता रोकने के बाद मराठा आरक्षण आंदोलन वापस ले लिया गया। सरकारी नौकरियों में 16% रिजर्वेशन की मांग पर अड़े मराठा मोर्चा ने ये कहकर आज का बंद खत्म कर दिया कि हम ये संदेश देने में सफल रहे कि मुंबई को बंद करने के लिए किसी राजनीतिक दल के समर्थन की हमें जरूरत है। देश हित में लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वोट की फसल काटने के लिए आरक्षण पर बंटवारे की ये साजिश हो रही है। वैसे ये सियासत ही है जिसके चलते प्रधानमंत्री पद को लेकर कांग्रेस ने अपने फैसले से यू 22 जुलाई को CWC में फैसला लिया कि राहुल गांधी होंगे PM का चेहरा और दो दिन बाद संकेत ये कि महागठबंधन में किसी महिला चेहरे से भी कोई परहेज नहीं। तो कुल मिलाकर मोदी को हराने के लिए ममता या मायावती को PM पद के लिए समर्थन दे सकते हैं राहुल। अब सवाल ये कि क्या महागठबंधन की महिला ब्रिगेड के भरोसे है राहुल की कांग्रेस। आज संसद में मॉब लिंचिंग का मुद्दा फिर से उठा और इस बार इसे विपक्ष ने नहीं कोटा से BJP के सांसद ने उठाया। उन्होंने कांग्रेस पर जाति धर्म की राजनीति का आरोप लगाया। दरअसल राजस्थान के अलवर की लिंचिंग तो सबको पता है लेकिन उसी राजस्थान के बाड़मेर में खेताराम के लिंचिंग पर सबके लब सिल गए। सबसे बड़ा सवाल इसीलिए ये है कि क्या भीड़ की हिंसा का समाधान ढूंढते हुए रकबर और खेताराम में फर्क किया जा रहा है। वैसे एक फर्क का एहसास प्रधानमंत्री मोदी ने भी करवाया है वाया युगांडा। वहाँ के बिजनेस फोरम में उन्होंने कहा कि महंगा पड़ता है चीन का सस्ता सामान। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, इस कहावत के बावजूद चीन का दबदबा। पड़ोस में चल रही वोटिंग खत्म हो गई है, अब है नतीजों का इंतजार। आज देशभर में इस पर बड़ी कवरेज आप देखेंगे पाकिस्तान से। जी मीडिया संवाददाता और पाकिस्तान की वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे इस सवाल के साथ कि क्या पड़ोस का लोकतंत्र भारत को कोई उम्मीद दिखाने में कामयाब हो पाएगा।